नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जी हां, आपको बता दें, भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल ने और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली तूफानी पारी और कर दी शतकीय पार्टनरशिप। जी हां, आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केएल राहुल और रोहित शर्मा ने आज पाकिस्तान के खिलाफ वो तूफानी पारी खेली है जिसके लिए भारतीय खिलाड़ी जाने जाते हैं। और आप सभी को हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां पर यह मैच चल रहा है और कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से धोया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बल्लेबाज दांतों तले उंगली दबा चुके हैं और एक बात समझ में आ चुका है पाकिस्तान को कि भारतीय टीम अपना बदला ले रही है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस किया और कैसे केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद भी अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, आज एक बार फिर से दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले को आप सभी देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव ये मैच चल रहा है। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आज केएल राहुल ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की है। और इसके अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली भी अब आ चुके हैं पिच पर और भारतीय कप्तान विराट कोहली भी अब केएल राहुल का साथ दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, आज एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है और ये मुकाबला दोस्तों एक वार्म अप मैच है जिसमें भारतीय टीम एक बार फिर से पाकिस्तान से लोहा लेती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहीं पर आज भारतीय टीम ने टॉस जीता था और एक बार फिर से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, लेकिन इस बार भारतीय टीम में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ हम पा रहे हैं कि रोहित शर्मा ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की। आज रोहित शर्मा ने महज 30 गेंदों पर ही 47 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी इस पारी में इन्होंने जहां 3 छक्के लगाए हैं तो वहीं 4 चौके भी लगाए हैं। इससे पारी काफी ज्यादा धांसू थी। तो वहीं बात करें अगर केएल राहुल की, तो केएल राहुल अभी भी 77 रन बनाकर खेल रहे हैं और मैं आपको बता दूं इसके लिए केएल राहुल ने अब तक 43 गेंदों का सामना किया है और अपनी इस पारी में केएल राहुल अभी तक 4 छक्के जड़ चुके हैं और इसके अलावा इन्होंने 6 चौके भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से केएल राहुल शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अभी तक ये नाबाद खेल रहे हैं। और बता दें कि विराट कोहली अभी हाल ही में आए हैं और विराट कोहली 10 रनों पर खेल रहे हैं और विराट कोहली ने इसके लिए 8 गेंदों का सामना किया है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम एक बड़े टारगेट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रही है और भारतीय टीम ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ महज 17 ओवर में ही 155 रन बना दिया है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम 200 के आसपास पहुंच जाएगी। तो केएल राहुल की शानदार पारी, तूफानी पारी देखने को मिली है। आज पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और इस वार्म अप मैच में पूरी तरह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से धोया है और भारतीय फैंस इस मैच को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि भारतीय फैंस जानते हैं कि ये मैच उनके लिए क्या मायने रखता है। और इसी मैच के बाद भारत को न्यूजीलैंड का मुकाबला भी आने वाले दिनों में खेलना है, तो इसीलिए भारतीय टीम की प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी और साथ ही साथ भारतीय टीम पाकिस्तान से इस तरह की हार का बदला भी ले पाएगी। तो आप दोस्तों अगर चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मैच को जीते, तो जरूर आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।